हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। 11th क्लास में जैसे मैंने और कुछ आपको जानकारी इसमें दी थी कि सिलेबस के बारे में कैसे क्या करना है, या एक लेसन जो होता है प्रोज का वो कौन कौन सी चीज़ें कवर करता है, तो उसी के अंतर्गत ये बताया था कि रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट लेसन कल मैंने आपको पूरा समराइज कर दिया था, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसके राइटर खुशवंत सिंह। ओके, अब ये जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है ये आपके लिए इस क्लास में नई चीज़ होगी। तो जिस प्रकार से हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है, बिल्कुल वैसे इंग्लिश में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा फर्क है इंग्लिश से हिंदी से। तो रेफरेंस में क्या लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेटर, ब्यूटीफुल लेसन, ये पंक्तियाँ सुंदर पाठ से ली गई हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसका नाम पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, रिटन बाय खुशवंत सिंह, जिसके राइटर खुशवंत सिंह। तो जो आपके लेसन्स होंगे, हर एक लेसन में आपको इसी तरीके से लिखना है। रेफरेंस सब में प्रोज वाले में यही होगा, जो स्टेंजर्स होते हैं जो पोएम के लिए होती हैं उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्या होगा, फिर रेफरेंस देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, या लेसन कैसा लगा आपको, इंस्पायरिंग लेसन है, मोटिवेटिंग लेसन है, जैसा लेसन है, अगर इंस्पायरिंग बाय द इंस्पायरिंग लेसन, बाय द मोटिवेटिंग लेसन, बाय द एजुकेटिव लेसन, इस तरह लिख सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट में बेसिक है, अभी आपको प्रारंभ में समझना है, इसलिए सीधे लिखें, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटिफुल लेसन, या लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लेसन का नाम, और यहाँ पर रिटन बाय खुशवंत सिंह। यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे इज रिटन बाय, आर रिटन बाय, ये नहीं, रिटन बाय खुशवंत सिंह। इज दैट क्लियर टू यू? फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इन दिस लाइंस द राइटर टेल्स अस। अब कॉन्टेक्स्ट वाली बात होती है जो प्रसंग, प्रसंग क्या होता है, जो भी पैसेज आपको करने के लिए दिया जाता है, मान लीजिए इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है, कितना बड़ा, इतना बड़ा पैसेज है, या इससे एग्जाम्पल समझें कि ये पूरा पैसेज है, एक पैसेज दिया और कहा जाए कि कॉन्टेस्ट लिखिए आप, तो कॉन्टेस्ट क्या होना चाहिए, इसका 1/4 होना चाहिए, कितना, 1/4। अब 1/4 में मतलब ये गणित नहीं है कोई कि कसम खा लीजिए 1/4 होना चाहिए, नहीं, उससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन ये नहीं कि मोर देन हाफ हो जाए, ये गलत है। ओके, तो कॉन्टेस्ट क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है किसी भी चीज, कॉन्साइज फॉर्म, तो उसको लिखेंगे। तो जैसे ये जो अभी मैं आपको कॉन्टेस्ट ये करवा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये मैंने पैसेज दिया है, यहाँ से इस पैसेज की लाइनें हैं, एज द ईयर्स डैश 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 से लेकर लेसन, ये पैसेज की लाइनें हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एज द ईयर्स रोल्ड बाय। अब यहाँ पर राइटर अपनी दादी के बारे में बता रहा है, जैसे जैसे समय गुजरता गया हम लोग एक दूसरे को कम देखते थे, वो और उसकी दादी, फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी, कुछ समय तक वो उसे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब वो वापस आता था राइटर अपने स्कूल से, ये कहाँ की बात हो रही बच्चों, शहर की बात हो रही है, जब वो और उसकी दादी शहर चले गए उसके पेरेंट्स के पास, वहाँ की बात हो रही, फिर उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया, तो वो बात हो रही है। व्हेन आई केम बैक, जब स्कूल से लेखक आता था, सी वुड आस्क मी, वो उससे पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो वो उन्हें बताता था कि इंग्लिश पढ़ाया गया, साइंस के पश्चिमी विज्ञान बारे में बताया गया, गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, तो ये सब उनको बताता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये बताता कि दुनिया गोल है, ये सब सुन के उसकी दैट दिस मेड हर अनहैप्पी, वो नाराज़ हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद, अब वो गांव में जब होते तो उनकी दादी उनको पढ़ाई में मदद कर देती थी, क्योंकि गांव में प्रार्थना वगैरह सिखाई जाती थी और अल्फ़ाबेट भाषा की वर्णमाला सिखाई जाती थी, और स्पिरिचुअल थिंग्स, ईश्वर से रिलेटेड चीज़ें, धार्मिक शिक्षा देती, तो ये सब चीज़ें में उसकी दादी मदद कर देती थी। अब यहाँ पर जब वो विज्ञान वगैरह पढ़ रहा है
पश्चिमी सभ्यता की नॉलेज ले रहा है, तब कैसे मदद कर पाएंगे। तो यही चीज़ वो अपने इसमें पूरे में बदला रहा है। तो इसी को हमको संक्षिप्त में शॉर्ट में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर टेल्स अस, इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस, इन पंक्तियों में लेखक हमें बतलाता है। अब देखो बच्चों, कॉन्टेस्ट जब आएगा तो हमेशा कॉन्टेस्ट में टेल्स टेल्स लिखा जाता है, याद रखना। सीएस नहीं कभी लिखेंगे, सीएस किस में लिखा जाता है, हमेशा एक्सप्लेनेशन में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। टेल्स अस व्हाट हिज ग्रैंड मदर डिड फॉर सम टाइम, कि क्या उसकी दादी ने कुछ समय तक किया, व्हाट सी यूज टू आस्क, वो उससे हिम किस लिए आया, राइटर के लिए, वो राइटर से क्या पूछा करती थी, यूज टू मतलब पास्ट की हैबिट जो कर रहा है, उससे क्या पूछा करती थी, एंड व्हाट सी एंड व्हाई सी ग्रीव अनहैप्पी, और वो उससे नाराज क्यों हो जाती थी, अनहैप्पी मीन्स नाखुश क्यों हो जाती थी। तो ये चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है कि वर्ड का बड़ा खेल होता है बच्चों, शब्दों का, शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे पार्ट अनहैप्पी था, अब अनहैप्पी के लिए दूसरा वर्ड हमें आने चाहिए, इसका मतलब हमारी वोकैबुलरी भी मजबूत होनी चाहिए। अनहैप्पी नाखुश, नाखुश का मतलब हुआ है, और वो उससे नाराज क्यों हो जाए। तो संक्षिप्त में पूरा पैसेज में जो लाइनें आई उनको मैंने शॉर्ट भी कर दिया। अब इसी का विस्तार, जो पैसेज आए इसका विस्तार हम करेंगे किसमें, एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। इतना समझ गएंगे आप, आज मैंने आपको रेफरेंस और कॉन्टेस्ट का ज्ञान दे दिया है कि किस तरीके से हम रेफरेंस कॉन्टेस्ट लिखेंगे। कल मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।